पूल में डुबो दिया गया। सुपर मॉडल के सिर पर रॉड मारी गई। बिग बॉस के रोमांटिक गौहर और कुशाल। गौहर बहुत टफ कंटेस्टेंट है और अभी हमने आधा शो कंप्लीट कर लिया, आधा बाकी है। इंशाल्लाह आगे देखते हैं क्या होता है, आगे तक जाएंगी, फिनाले तक होके आएंगी, शायद ट्रॉफी भी जीत जाए। डांसिंग कपल गुरमीत और देविन में 15 कंटेस्टेंट्स हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें से कुशाल बाहर हो चुके हैं, लेकिन गौहर अभी भी शो में अपना दम दिखा रहे हैं। केप टाउन की सड़कों पर हमें सबसे खूबसूरत जोड़ी जो फ्रिकआउट करते हुए, घूमते हुए, शॉपिंग करते हुए नजर आई है, वो है कुशाल और गौहर। कुशाल गौहर, छुट्टी का दिन बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग घूम रहे हैं और रेस्ट कर रहे हैं। क्या बात है, खतरों से खेलते खेलते चेहरे पर थकावट तो नजर आने ही लगी है। किस तरह से, इसी तरह से टाइम पास होता है, इसी तरह से संडे अपनी छुट्टी मनाते हैं आप लोग? एक्चुअली संडे के दिन ऐसा होता है कि बस थोड़ा बहुत रेस्ट ही मिल जाए तो काफी है। कुशल, आपसे जानना चाहेंगे, आपको पैर में चोट लगी थी, इंजॉर हुए थे आप, काफी इंजॉर हुए थे आप, शोल्डर पर चोट लगी थी, तो सुना है कि आपने शो भी छोड़ दिया है। गौहर मिस करेंगी कुशल? कैसे मिस करूंगी, वो तो यही है। मैं तो यही हूँ। नहीं, मैं एंजॉय कर रहा हूँ केप टाउन में। एक्चुअली मैंने शो किया, पहले भी मुझे चोट लगी हुई थी और उसी जगह मुझे स्टंट में चोट लग गई है। हीरोइन अब अकेली है, हीरोइन से आपसे जानना चाहेंगे कुशाल, ये हीरोइन कितनी टफ है एज अ खतरों से खेलने के लिए? ये हीरोइन जंगली बिल्ली है और बहुत खतरों से खेलती है और ये मुझे मिस नहीं करेगी क्योंकि मैं कहीं जा ही नहीं रहा हूँ, मैं यहीं पर रहूंगा, मैं घूमूंगा, ये काम करेंगे और मैं टाउन घूमूंगा, एंजॉय करूंगा। चलिए गौहर, आपसे जानना चाहेंगे, एक्टिंग करना तो बहुत ही ज्यादा वो होता है, पर खतरों से खेलना कितना मुश्किल है? खतरों से खेलना मेरे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि मैं बिल्कुल भी एडवेंचरस पर्सन नहीं हूँ और यहाँ आके पता चल रहा है कि एक्चुअली बैंड कैसे बजती है। गौहर, सबसे टफ स्टंट अब तक का कौन सा लगा आपको जो कहेंगे? हर एक स्टंट मेरे लिए बहुत टफ रहा है। आपको पानी से बहुत ज्यादा डर लगता है? हाँ, मुझे पानी से, हवा से, हाइट से, कीड़ों से, हर चीज से बहुत डर लगता है। खतरों के खिलाड़ी में